Hello friends, this is Sangam Bipuri and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Pancreo Flat Tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियो फ्लैट टैबलेट। फ्रेंड्स, पैनक्रियो फ्लैट टैबलेट बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन डाइजेस्टिव कैटेगरी से बिलोंग करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कैटेगरी से बिलोंग करता है या पैनक्रियाटिक एंजाइम कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं और इसके डोज क्या होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि एक हाईली रेपूटेड कंपनी है अपने आप में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसकी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में आपको लगभग 170 रुपये से लेकर 180 रुपये के आसपास में होती है और उतने में ही आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल्स इस टैबलेट के अंदर पाया था, विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस टैबलेट। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाया था, वो भी दोनों डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। पहला है पैनक्रिएटिन 170 mg, पैनक्रिएटिन 170 mg। दूसरा मॉलिक्यूल्स है डाइमेथिकोन पाया जाता है 80 mg। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पैनक्रिएटिन और डाइमेथिकोन, दोनों मिलकर इनडाइजेशन और ब्लोटिंग को ठीक करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आए कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था, क्या इसकी यूसेज। फ्रेंड्स, ये तो बेसिकली यूसेज। अब चलिए इसके मेन यूसेज के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे मेन यूसेज है इनडाइजेशन। अगर कोई आप खाना खा रहे हो, नहीं पच रहा है खाना, इनडाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ब्लॉटिंग, खाना खाने के बाद आपका खाना पच नहीं रहा, ठीक है, तो वो पेट आपका फूल जाएगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाएगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस कहने का मतलब होता है कि पैनक्रियाज जो डुओडेनम से जुड़ा होता है, ठीक है, उसमें सूजन आ जाना, उसमें जलन होना, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं पैनक्रियाज कैंसर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेन ट्रीटमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंपली मैं कहूँ तो पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं कुछ जानकारी या अनुभव अपने साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक पेशेंट आया था जिसको इपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पर बहुत जलन होता था और दर्द होता था, कॉलिकी पेन्स, नीडल लेकर उसको चुभता था, प्रिक होता था। तो बहुत सारे दवाई सुइया चला, रिलीफ मिला, लेकिन जब उसको अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उसमें पाया गया पैनक्रियाज में मल्टीपल कैल्कुलिन पैनक्रियाज, कि पैनक्रियाज में उसको बहुत सारे स्टोन हो रखे थे, छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन, जिसके कारण उसको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, पैनक्रियाज से कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए ड्यूरिंग उस टाइम भी पैनक्रियो फ्लैट टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा था डॉक्टर द्वारा। बस इतना याद रखे, पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको समझ। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में, कि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, एंड विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने आप कभी भी कोई दवा एडमिनिस्टर न करें। तो फ्रेंड्स, नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंट लेडी को आपको नहीं देना है, और कोई लेडी प्रेगनेंट है उसको आपको नहीं देना है। उसका ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको नहीं देना है। उसके बाद कहते हैं लीवर डिजीज, या कोई व्यक्ति लीवर डिजीज से सफ़र कर रहा है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस लिए आप उसको न देगी टैबलेट। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन बड़ा सिंपल था, आपको समझ में। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका साइड इफेक्ट्स ज़्यादा डोज लेने के कारण होता है। जैसे अगर आप ज़्यादा डोज ले लो कोई भी चीज़, आप अगर एक्सेस अमाउंट में लो तो उसका साइड इफेक्ट्स आपको दिखेगा। पहला साइड इफेक्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, क्या होता है नोजिया एंड वोमिटिंग, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर स्टोमक पेन या एब्डोमिनल पेन भी जिसको आप बोल सकते हो, वो भी हो सकता है।
फिर डायरिया हो सकते हैं आपको, फिर हेडेक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स, अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि इसके जगह पर कोई दूसरा ब्रांड वो आपको दे सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स अभी आपको समझ में। अब चलिए बात करना चाहें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज तो हमेशा पेशेंट के सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सिवियरिटी क्या है, एज क्या है, बॉडी वेट क्या है, ठीक है, उसके अनुसार मेल है या फीमेल उसके अनुसार डोज। लेकिन जनरली एडल्ट में मैंने देखा है और जो चलाया जाता है वो 1:BD का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पनक्रियाज से अगर ऐसा माइलेज सीरम में माइलेज नहीं निकल, लाइपेज नहीं निकल रहा, ठीक है, जो कि पचाने काम करता है, तो उसको सही करने के लिए 1:BD का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। तो डोज में याद रखिए 1:BD आपको देना है, लेकिन ये एडल्ट का डोज है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई कि पनक्रियो फ्लैट टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, और कैसे किया जाता है और क्या इसके मेन उद्देश्य होते हैं इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त, कुछ ना कुछ मेरे इस वीडियो से आपको सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, इट मीन्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मैं कभी पैनक्रियाटाइटिस पर बता दूंगा कि वो क्या होता है पैनक्रियाटाइटिस। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।